सो गाइज कैसे हो आप सभी। सो गाइज आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करना। सो गाइस सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस का सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है एंड एस्पेक्ट रेशियो 9.16 का ले लेना है। एंड इसके बाद एक सेटिंग करना है गाइस। यहां पर एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा गियर, इस पर क्लिक करेंगे एंड एडिटिंग पे जाएंगे, उसके बाद फिल स्क्रीन करके ओके कर देंगे एंड यहाँ से भी ओके करेंगे। एंड इसके बाद आपको एक फ़ोटो ऐड करना है, आप अपना भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से फ़ोटो को ले लेता हूँ। फ़ोटो ऐड करने के लिए सबसे पहले मीडिया में जाएंगे और उसके बाद जहाँ पर फ़ोटो आप रखे होंगे वहाँ से आपको फ़ोटो ले लेंगे। चलिए मैं जल्दी से फ़ोटो को ले लेता हूँ, इसके बाद ओके करेंगे एंड गाइस इसके बाद इसके फ़ोटो के लेयर को बढ़ा लेंगे। जितने सेकंड का आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज फोटो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है एंड यहाँ आपको दिख रहा हो बिगिनेट का ऑप्शन, इसे इनेबल कर देना है एंड उसके बाद एडजस्टमेंट में जा करके सैचुरेशन को फुल कर देना इस प्रकार से एंड ओके कर लेना है। एंड इसके बाद गाइज हम इस लेयर को करने वाले हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए 3 डॉट पर जाएंगे एंड डुप्लीकेट एच लेयर पर क्लिक करके ये फोटो जो है डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर से एडजस्टमेंट में जाएंगे एंड सैचुरेशन को 0 कर देंगे इस प्रकार से एंड ओके कर लेंगे। एंड नीचे वाले लेयर को फुल स्क्रीन कर लेना है आपको एंड ओके कर लेंगे। एंड इसके बाद नीचे वाले लेयर पर क्लिक करेंगे एंड ओवरऑल एनिमेशन में जाएंगे, ब्लिंक एंड स्लो का एनिमेशन दे देंगे एंड ओके कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो वीडियो है उसमें थोड़ा एनिमेशन देखने को मिलेगा आपको। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद गाइज लेयर में जाना है एंड मीडिया में जाना है, उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड लेना है वाइट। ओके इस प्रकार से आप वाइट बैकग्राउंड ले लेंगे एंड इसका कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पर जाकर के कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो कलर आप चूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद क्रॉपिंग पे जाएंगे एंड मास्क को इनेबल करेंगे एंड फीचर को फुल कर देंगे इस प्रकार से एंड ओके कर लेंगे। एंड इसके बाद इस लेयर को बढ़ा देंगे इस प्रकार से एंड ये जो मैंने बैकग्राउंड लिया था इसे लगा के राइट में सेट कर देंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इसको इस प्रकार से राइट में सेट करेंगे। एंड ओवरऑल में जाकर के एंड ओवरऑल एनिमेशन में जाकर के आपको प्लस का एनिमेशन दे देना है एंड ओके कर लेंगे। एंड इस लेयर को डुप्लीकेट करना है आपको, डुप्लीकेट करेंगे एंड इसके बाद ला करके इसे लेफ्ट में सेट करेंगे इस प्रकार से एंड ओके करेंगे। तो आप जब वीडियो प्ले करेंगे थोड़ा एनिमेशन और देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार से। एंड इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ओवरले में जा करके एक इफेक्ट लगाना है। तो चलिए मैं जल्दी से लगाता हूँ। तो इसके लिए लेयर में जाएंगे एंड ओवरले में जाएंगे। तो आपको प्री फायर फ्लाइट, तो आपको फायर फ्लाइट का ओवरले देखने को मिलेगा। यदि आप में नहीं देखने को मिलता है तो आप गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप काइन मास्टर के एसेट्स स्टोर में पहुँच जाएंगे एंड स्पेशल इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको फायर फ्लाइट का ऑप्शन आएगा, उसमें सर्च कर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई इसमें से एक चूज कर लेता हूँ, फर्स्ट वाला चूज कर लेता हूँ एंड ओके कर लेता हूँ एंड इसके लेयर को भी बढ़ा देता हूँ इस प्रकार से एंड इसके बाद इसे जूम कर देंगे इस प्रकार से, बड़ा कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो आपके वीडियो में इस प्रकार का इफेक्ट आ जाएगा। एंड इसके बाद गाइज क्या करना है, इसके बाद आपको हेडफोन PNG ऐड करना है। तो इसके लिए लेयर में जाएंगे एंड मीडिया में जाएंगे एंड जहाँ पे आप रखे होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा है। जितना भी मटेरियल मैं यूज़ करूँगा गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ मटेरियल। तो चलिए मैं वो हेडफोन PNG लगा देता हूँ, यहाँ रहा है एंड इसे फुल स्क्रीन कर देंगे एंड ओके कर लेंगे एंड इसके लेयर को बढ़ा देंगे इस प्रकार से। एंड हम इसमें एक टेम्पलेट वीडियो ऐड करने वाले हैं, तो इसके लिए लेयर में जाएंगे एंड मीडिया में जाएंगे एंड आपको जहाँ पर रखे होंगे आप डाउनलोड करके वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर रखा हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ। ये रोज वाला इफेक्ट है, गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है गिरती हैं, तो इसे आपको लगा देना है। कहाँ गया भाई, ये रहा।
एंड इसको फुल स्क्रीन कर देंगे एंड ओके कर लेंगे एंड इस लेयर पे क्लिक करेंगे एंड ऑप्शन वाले में जाएंगे, आपको ब्लीडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे एंड स्किन कर देंगे इस प्रकार से एंड ओके कर लेंगे एंड जो पार्ट बड़ा हुआ है ना इसे काट कर निकाल देंगे यहाँ पर जाकर इस प्रकार से। एंड गाइज इसमें एक चीज़ और लास्ट ऐड करना है, बॉर्डर। ओके तो बॉर्डर ऐड करने के लिए लेयर में जाएंगे एंड मीडिया में जाएंगे, उसके बाद आप जहाँ पे बॉर्डर रखे होंगे वहाँ से जाके बॉर्डर का ले लेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से बॉर्डर लेता हूँ, ये रहा बॉर्डर मेरा एंड इसे फुल स्क्रीन करेंगे बॉर्डर को, यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसके लेयर को भी बढ़ा देंगे इस प्रकार से एंड ओके कर लेंगे। अब गाइज बारी है सॉन्ग ऐड करने की, तो आपकी मर्जी जो सॉन्ग चाहें वो ऐड कर सकते हैं आप इसमें। तो चलिए मैं सॉन्ग को ऐड करके बताता हूँ आपको। तो इसके लिए ऑडियो पे जाएंगे एंड जहाँ पे आप साउंड जहाँ पे आप सॉन्ग रखे होंगे वहाँ से आपको सॉन्ग ले लेनी है। तो मैं ये वाला सॉन्ग रख लेता हूँ एंड यहाँ से यहाँ तक मेरा सॉन्ग है ये। तो इसके लिए मैं इस लेयर को बराबर कर लेता हूँ, जितना मेरा सॉन्ग है उतना ही सब कुछ लेयर होना चाहिए मेरा। आप काट के भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं काट के यहाँ निकाल नहीं रहा हूँ, बराबर कर दे रहा हूँ इसके, ठीक है एंड ओके कर लेंगे। एंड इसके बाद मैं आपको प्ले करके इसे दिखाने वाला हूँ, चलिए प्ले करते हैं वीडियो को। तो गाइज यहाँ पर मेरा वीडियो कम्प्लीट बन तैयार है, अभी मैं इसे गैलरी में सेव करने वाला हूँ। सेव करने के लिए आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा नमस्कार।